हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट फूड एंड हेल्थ। मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ। तो रक्षाबंधन आने वाला है और आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी कलाकंद की रेसिपी, और ये बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो उसे सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए तो वो चीज़ें हेल्दी भी बन सकती हैं। तो करते हैं किचन का रुख और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये कलाकंद की रेसिपी। तो देखते हैं ये कैसे बनती है। कलाकंद को बनाने के लिए यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ 250 ग्राम पनीर, और ये मार्केट वाला पनीर है, और इसको हमने कर लेना है ग्रेट बहुत ही अच्छे तरीके से, और इससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो घर पर भी फुल क्रीम दूध से पनीर बनाकर उसके बाद डिश को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें डाल दिया है अब मैंने 1 कप पूरा स्किम्ड मिल्क पाउडर, और इस पाउडर में शुगर बिल्कुल भी नहीं है। साथ में ही 1 कप मलाई वाला दूध ले लिया है, और इन सबको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। और चलिए अब पहले मिक्स कर लेते हैं इसको। बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी आने तक हमने इसे मिक्स करना है, और यहाँ पर आपको अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा कम क्रीमी लगता है तो आप और मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क और डाल दे रही हूँ, जिससे कि इसकी एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मेरा लग रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पर रख देना है। उसके पहले कढ़ाई को हमने शेल्फ पर ही रखा हुआ था, तो जब तक मिक्स नहीं कर लेंगे तब तक हमने इसको कढ़ाई को गैस पर नहीं रखना है। तो अब हमने यहाँ पे लो मीडियम गैस पर इसको ऐसे चलाते हुए मिक्स करना है, और साथ में ही इसको थिक होने देना है। तो ये देखिए धीरे धीरे मिक्सचर थिक हो रहा है, और आप चलाना बंद नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये मिठाई लग जाएगी नीचे। तो इसको इस तरीके से हमने लगातार चलाते रहना है, और ये मिक्सचर धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। तो अब देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी अच्छा सा हमारा थिक हो गया है। तो यहाँ मैं 1/2 कप इसमें देसी बूरा डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वाइट वाला जो हमारा देसी बूरा होता है वो लिया है, और उसको डालने के बाद ये देखिए थोड़ा सा पहले वाटरी हुआ, अब देखिए बिल्कुल अच्छे से ये थिक हो गया है। और इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा कलाकंद है बहुत ही च्यूई कंसिस्टेंसी का बनेगा। तो अब यहाँ पर हमने गैस को कर देना है बंद। ये बहुत ही अच्छा सा हमारा ठीक हो गया है। तो अब पहले हम इस गैस को बंद करके, और इसको हम जिस प्लेट में हमने कलाकंद को जमाना है उसमें निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है और थोड़ा सा घी लगा दिया है, और इसको हम अब जमा देते हैं। यहाँ तक हमने कोई भी इसमें घी नहीं डाला है, बस जो नीचे ट्रे में लगा है बस वही है। और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से पिस्ता कटे हुए, और साथ में ही डाल देंगे थोड़े से सैफ्रॉन के स्ट्रैंड्स। तो बस ये पिस्ता और सैफरन से हमने इसको मार्केट वाला लुक दे देना है। ये देखिए सैफरन के स्टैंड्स में डाल दे रही हूँ, और इसके बाद इसको हमने 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये हमारा कलाकंद जो है बहुत अच्छे से जम जाए। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ दे रही हूँ 20-25 मिनट्स। तो ये देखिए हमारे 30 मिनट्स हो चुके हैं, और मैं इसको खोलकर देख लेती हूँ, कम्प्लीटली सेट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, और आपने खुद घर पे बनाया है तो आपको पता है कि इसमें आपने क्या डाला है। बिल्कुल शुद्ध और सही मिठाई आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट वाली मिठाई में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि क्या बन रहा है। तो ये देखिए हमारा कलाकंद कितना अच्छा बेहतरीन सा निकल आया है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे जो मिल्क मिल्क जैसा कलाकंद में नीचे होता है वो लगता जा रहा है, और ये देखिए आप नीचे बिल्कुल मिल्की है। तो इसी तरीके का कलाकंद मार्केट में जब आप लेते हैं तो नीचे बिल्कुल मिल्की मिल्की सी उनकी ट्रे होती है, जैसे कि ये दिख रही है। अब यहाँ पे हमारा सारा कलाकंद हमने निकाल लिया है, टोटल 8 पीस बन गए हैं कलाकंद के, और इसको आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है। और एक मैं आपको दिखा देती हूँ पास से भी, ये देखिए। तो इस मिठाई को आप फटाफट से बना लीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी कैसी बनी।
तो ये कलाकंद की रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है और आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट में कितनी फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है, तो फिर बाजार से क्यों लानी, इसी को बनाइएगा। और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे हेल्दी अपडेट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।